परिषद अध्यक्ष अजय कंगलवार एवं पूर्व जीपी अध्यक्ष रवि ओलालवार की चेतावनी एटापल्ली तालुका में प्रसिद्ध सूरजगढ़ लोह परियोजना जनता के विरोध के बावजूद शुरू की गई है और हर दिन सूरजगढ़ से लोहे के पत्थरों को परिवहन किया जा रहा है और लोह अयस्क को हर दिन बड़े ट्रकों द्वारा ले जाया जा रहा है। उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो छात्र गांव के बाहर से पढ़ रहे हैं, फिर समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जान हाथ में लेकर पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है और बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना मुश्किल होता है। कहा कि समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए और उक्त मार्ग को हटाया जाए, अन्यथा 7 दिन के भीतर जोरदार आंदोलन होगा। यह बयान जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष अजय कंगलवार और बोरी सरपंच शंकर कोडपे, राजपुर प्याच सरपंच वेलादी मायादम नितिन गुंडावार, खमनचेरे सरपंच शैलू मडावी, महागांव के सरपंच लगम ग्राम पंचायत सुरेश गंगा दारीवार, सोयल पठान पांडुरंग ने दिया। रामटेके रवि नीलकुदरी, प्रशांत गोट सिलवार, संवाददाता अहिरी सहित सभी ग्राम सरपंच उप सरपंच सदस्य उपस्थित होकर अहिरी के तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को भेजे गए हैं।